न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसके पास न्यूक्लियर एनवला प्रेजेंट होता है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन्हीं डबल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स का फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर सब्सेंज आता है बाहर से अंदर आता है तो उसमें हेल्प करता है न्यूक्लियर पोर्स क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है दैट इज जेनेटिक मटीरियल जिस भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है देन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन होता है राइबोसोम की सिंथेसिस करना राइबोसोम्स बनाना दैट इज आर का फॉर्मेशन करना एंड न्यूक्लियो प्लाजम होता है जस्ट लाइक साइडो प्लाजम जैसे साइडो प्लाजम के अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियो प्लाजम के अंदर प्रेजेंट होता है तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जाएगा न्यूक्लियस का सेकंड स्ट्रक्चर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रा जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर अब इनका फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रा का फंक्शन होता है कि ये एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है एटीपी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो इसी के अंदर देखने को मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही एटीपी जनरेट करता है रेस्पिरेशन के थ्रू अब इसकी भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके पास ये क्रिस्टे प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प है करते हैं रिएक्शंस के लिए अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है नेचर में सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है एटीपी ए के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्प है करते हैं एटीपी बनाने में नेक्स्ट मेन स्ट्रक्चर आ जाता है प्लास्टिड्स का प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है केवल और केवल, है, plastic, केवल और प्लांट सेल का न्यूक्लियस एंड तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिक है, है? या तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं यानी बनाते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं किस चीज को फूड को मेनली किसमें प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में इनके टाइप क्या है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये खाना बनाने में हेल्प करता है वेरस जो खाने को स्टोर करता है वो हो गया क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एंड इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इनके स्ट्रक्चर में ये होते हैं मेन जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल इनके अंदर प्रेजेंट होता है ल्यूमन एंड इनके जो स्टैक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रैनम एंड ये यहाँ पे जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है फ्लूड फिल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ये स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा होता है एंड ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ लेमेले एंड यहाँ पे आउटर इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है क्लास 6 से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर